कानपुर देहात के छोटे से गांव परोंख में जन्मे रामनाथ कोविंद तमाम बाधाओं और मुश्किलों के बावजूद संविधान के मूल मंत्रों का पालन करना नहीं भूले। अपने पूरे राजनीतिक सफर में कड़ी मेहनत करने के बाद आज रामनाथ कोविंद ने देश के सर्वोच्च पद की शपथ ली। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा। रामनाथ कोविंद ने आज देश के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण कर देश की कमान संभाल ली है। उनके शपथ ग्रहण समारोह में राजनीति जगत के सभी दिग्गज नेता शामिल हुए। देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शपथ ग्रहण करने से पहले महात्मा गांधी को राजघाट पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद कोविंद राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने उन्हें फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ संसद के सेंट्रल हॉल में पहुंचे। चलिए अब आपको राष्ट्रपति पद के शपथ समारोह के बारे में सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सुबह 11:45 पर रामनाथ कोविंद और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति भवन फॉर कोर्ट से होते हुए राजपथ से होकर संसद भवन पहुंचे। दोपहर 12 बजे पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम शुरू हुआ। दोपहर 12:05 पर संसद भवन के सेंट्रल हॉल में कोविंद और मुखर्जी अगल बगल कुर्सियों पर बैठे। 12:15 पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जे एस खेर ने रामनाथ कोविंद को शपथ दिलाई। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि रामनाथ कोविंद ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। उसके बाद 1 बजे प्रणब मुखर्जी और कोविंद दोनों संसद से वापस राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हुए। तय परंपरा के मुताबिक रामनाथ कोविंद पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके नए आवास 10 राजाजी मार्ग छोड़ने गए। उसके बाद देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपना कार्यभार संभालने के लिए राष्ट्रपति भवन वापस लौट आए। रामनाथ कोविंद का कहना है कि देश के प्रति सफलता का मंत्र ही उनकी विविधता है और विविधता ही उनका आधार है। अब गौरतलब होगा कि देश के नव निर्वाचित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 21वीं सदी के भारत की दिशा और दशा कैसे तय करते हैं। कैमरा पर्सन सुधीर कुमार शर्मा के साथ अनुज अवस्थी, स्वयं टुडे, दिल्ली। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।